गुड मॉर्निंग सनरेखा प्राइवेट आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में वार्म एंड वार्म ग्यार के बारे में समझेंगे जानेंगे। तो वार्म एंड वार्म ग्यार जो होती है, यह ग्यार एक महत्वपूर्ण ग्यार होती है। जैसे ग्यार को हम लोग किसी न किसी जगह में उपयोग करके पावर को ट्रांसमिशन करते हैं, चाल को गति प्रदान करते हैं, तो उसी तरह का इसमें एक वार्म ग्यार होता है और एक वार्म होता है। और जब दो ग्यारों को आपस में मेस करके चलाते हैं तो एक दूसरे टीथ में उसमें फंसा हुआ रहता है, या दूर दूर में अगर तो चेन का सहायता लेते हैं। लेकिन इसमें वार्म को और सामने सामने रख कर हम लोग गति देते हैं। तो चलिए इसको जानेंगे विस्तार से। देखिए बोर्ड पर चित्र भी बना हुआ है, तो इसको सबसे पहले हम लोग परिभाषा को दोहराएंगे। वार्म एक प्रकार का सिलिंड्रिकल रड होती है जिस पर हेलिकल या स्पाइरल रूप में लगातार चूड़ियां बनी होती है, जिसको एक वार्म ग्यार के साथ मेस कर दिया जाता है। इसका प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर दो शाफ्टों को आपस में क्रश करती हो और उन पर गति को ट्रांसमिट करता हो। इसे वार्म को घुमाने से वार्म ग्यार घूमती है, परंतु वार्म ग्यार को घुमाने से वार्म नहीं घूमती है। इस प्रकार की ग्यार को वार्म एंड वार्म ग्यार कहते हैं। तो देखिए यहां पर दो पॉइंट है, इसको थोड़ा हम लोग मार्क करके उसके बाद उसको समझेंगे। यहां पर देखिए कि वार्म को घुमाने से वार्म घूमती है, ठीक है, इससे वार्म को घुमाने से वार्म ग्यार घूमती है, परंतु वार्म ग्यार को घुमाने से वार्म नहीं घूमती, ठीक है, इसको हम लोग ध्यान रखें। वार्म को घुमाने से वार्म ग्यार घूमती है और वार्म ग्यार को घुमाने से वार्म नहीं घूमती है। एक बार चित्र पर ध्यान दीजिए, देखिए इसको तो देखिए वार्म ग्यार को देखिए लिखा हुआ है ना, इसको लिखा हुआ, यहां भी लिखा हुआ, देखिए वार्म ग्यार, इसको वार्म ग्यार बोलते हैं, इसको वार्म बोलते हैं। तो इस तरह का ग्यार कहां पर प्रयोग होता है इसको हम लोग जानेंगे। इस क्षेत्र देखे हैं कि कहां पर उपयोग होता है, इसमें हम लोग घूमे भी हैं, लेकिन अभी तक अगर आप अनजान है तो इस वीडियो को देखकर आप जानकार हो सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कुशल कारीगर बन सकते हैं, ठीक है। तो हमें जानते हैं कि ग्यार के द्वारा पावर को ट्रांसमिशन करते हैं, गति भी देते हैं। तो यह ग्यार अक्सर हम लोग मेले में जाते हैं और वहां पर देखिएगा आपका जगह जगह में जो द्वारा हम लोग चरकी में घूमते हैं,
चरखी लगा हुआ रहता है, देखिएगा उसमें एक वार्म स्थिर रहता है और उसी में 11 घूमता है, उसी में 11 घूमता है और एक वार्म स्थिर रहता है, तो उसमें क्या होता है कि उसी में गति देता है, जितना स्पीड घूमेगा वहां जाके स्पीड लेगा। तो इस ऐसा ही नहीं, इसी तरह का जगह जगह में क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है और इसको हम लोग क्या करते हैं, अपने कार्य को पूरा करते हैं। अक्सर इन लोग यह 11 मेले में जो बच्चों के लिए घुमाने के लिए चरखी वगैरह आता है ना, तो वो सब में आप लोगों को देखने मिलता है, खिलौने टाइप का रहता है, उसमें आपका कहीं घोड़े का बना हुआ रहता है, कहीं हाथी, कहीं बाघ, कहीं भालू, इस टाइप का बना हुआ रहता है, लेकिन उसमें 11 फीट रहता है, एक वार्म फीट रहता है, ठीक है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, घुमाते हैं और उसी में बच्चा लोग क्या करते हैं, खुशियों का जाहिर करते हैं और तकनीकी के माध्यम से इसको घुमाया जाता है। आदमी तो उतना स्पीड घुमा नहीं सकते हैं, जैसे पावर सप्लाई देंगे, करंट सप्लाई देंगे तो 11 घूमना शुरू कर देता है और वार्म के साथ उसमें संपर्क में आ जाता है और अपना खिलौना भी शुरू हो जाता है और उसमें लगता है। तो इसी तरह का क्षेत्र में इसका 11 प्रयोग किया जाता है। ऐसा ही नहीं कि आपका चिड़ियाखाना में नहीं, आपको जगह जगह में भी इसको, बहुत सारे काम क्षेत्र में भी इसका इस तरह का प्रयोग किया जाता है। काम क्षेत्र में भी, जैसे कि आप आदि क्षेत्र में इसका प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, वार्म 11 को प्रयोग करके कार्य को पूरा करते हैं, असुविधा को सुविधा में लाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की 11 को क्या कहते हैं, वार्म 11 कहते हैं। देखिए इसको संपर्क में लाने के लिए क्या करते हैं, देखिए इसको ठीक थोड़ा सा सामने सटा देंगे, इसको थोड़ा सामने सटा देंगे और इसको ये हम लोग टीथ है, हम लोग पढ़े हैं ये सब क्या है, टीथ है यानी दांते हैं, ठीक इसके मतलब बीच बीच में इसका सेट हो जाता है, सेट कर लेते हैं तो जैसे घूमेगा तो अगला भी घुमाना शुरू कर देता है, लेकिन ये क्या रहता है, फिक्स रहता है। ये वार्म क्या होता है, ये एक जगह में स्थिर रहता है, अरे भी किसी ने किसी सांप में, ये जो आपका वार्म 11 है, किसी ने किसी सांप में भी फिट रहता है और सांप के बीच में बाकी जो भी आपका रहेगा वो घूमेगा, ठीक है, जो भी बाकी पार्ट रहेगा वो घूमेगा, लेकिन ये आपका किसी न किसी 11 में क्या, ये वार्म 11 फिट रहता है, ये सांप में फिट रहता है और आप जैसे मतलब सांप घूमेगा तो ये यहाँ पर 11 ही घूमेगा और ये वार्म का सहारा लेता है, वार्म क्या सहारा लेता है, ठीक है। तो आप लोग वार्म 11 समझ गए होंगे, धन्यवाद।